अस्सलाम वालेकुम बहनों और बहनों के भाइयों को मेरे व्लॉग में बहुत 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 वार्म वेलकम है। आज कौन सा डे है भाई हमारा? डे फोर। हम जा रहे हैं रूफ के ऊपर और आज हमारा है चेयर लिफ्ट का सेशन। लाइट किधर आ रही है भाई? लाइट नहीं आ रही कहीं पर भी। तो आज हम जाएंगे चेयर लिफ्ट पर और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर रूफ पर पिक्चर्स लेने के लिए, उसके बाद हम निकलेंगे चेयर लिफ्ट पर। तो स्टे ट्यून, मस्ट लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जी फाइनली हम लोग रूफ पर आ चुके हैं और रूफ के मनाजर ये हैं। एक्चुअली आप लोग देख रहे होंगे भाई लिफ्ट से क्यों आ रहे जा रहे हैं, तो हमने रूम चेंज किया है परसों और थोड़ा हमें नीचे वाला रूम चाहिए था तो हमने वो लिया है रूफ वाला हटा के, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी भाई साहब। तो ये रहे पूरे मनाजर, ये रहे नबील सुल्तान। तो जी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अब बस वही है वॉक 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 वॉक। तो मिलते हैं स्पॉट पर। हम लोग पहुंच तो गए चेयर लिफ्ट पे, लेकिन चेयर लिफ्ट की क्यू आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखो टाइम लगेगा हमें, तो स्टे ट्यून। ये भाई बता रहे हैं यहाँ पे भी क्राइम रेट ज्यादा है, तो होशियार है ऊपर जाके कोई भी आपका पर्स छीन सकता है। फाइनली भाई हुदूद में पहुंच चुके हैं टिकट लेने के लिए। यहाँ टिकट का केबिन, यहाँ से टिकट बाय करने वाले हैं। बेटा वेट करें, भी ऐसे जा रहे हो। ये वाली हमारी है, मीरब को भी साथ ले लें। मुझे कम है यार, कम है। दो मामा पास। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं। जिनको हाइट फोबिया है ना, वो बिल्कुल भी इस केबिन कार में नहीं बैठ सकते। अच्छा ये पता भी नहीं लग रहा कि कुछ चल रहा है ना। वेरी स्मूथ। चेक करें आप पैसेंजर कैसे। हाँ तो मैं बता रही थी जिन लोगों को हाइट फोबिया ना, वो बिल्कुल भी नहीं रेजिस्ट कर सकते इस केबिन कार में, क्योंकि पूरा अक्खा खुला है भाई, पूरा पीछे आगे हर जगह बस पूरा जो है ना मिरर ऐसे हैं, आर पार सब दिख रहा है। तो जिन लोगों को हाइट फोबिया वो तो कतई नहीं आए और ना ही बैठे। थोड़ा सा स्केरी है क्योंकि नीचे देख रहे ना तो छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स दिख रही हैं भाई। व्यू नो डाउट बहुत हसीन है, तो इसीलिए कर दो मस्ट लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। से हम लोग यहाँ पर नीचे उतर चुके हैं और अब इधर एंट्री देंगे। हाँ यार बहुत फास्ट थी, वेट करें मीरा। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए टॉप ऑन आंटी के पास, लिबर्टी ऑफ जॉर्जिया। कौन थी वो आंटी? पीस ऑफ दुनिया। ये आंटी पीस ऑफ दुनिया, सुकून से खड़ी हुई सबको परेशान करके खुद सुकून से। दुनिया दिख रही है यहाँ से।
जो ग्लासेस है ना किरण, यहाँ की वो है सौगात। सही बोल रहे हो, ये जो बाहर जगह रखी है वाइन ग्लास, ये हाँ। ये क्या है, ये लोग पैक साथ लेके घूमते थे। सही है, जब गर्मी लगी बैठे पैक बनाया टक। फाइनली हम लोग रुक गए हैं चिमनी, चिमनी CHIMMEY चिमनी केक के ऊपर। आइसक्रीम प्लस केक है यहाँ पे, बहुत सुना था कि ये ट्राई करना है, तो ये हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए। कपड़े काफ़ी है यहाँ पर, आगे से जाके देखो। आइसक्रीम इट्स 25 लारे। अच्छा मैंने आंटी को बनाते हुए देखा तो वो कहती है कुछ फिलिंग भी हो। सही है, तो मैंने बनाना और स्ट्रॉबेरी की फिलिंग कराई स्पीसेस फ्रेश फ्रूट्स की, उसके बाद जो है ना न्यूटेला की जो है ना वो कोटिंग भी करती है, उसके बाद ये फिलिंग करती है। ठीक है, और ये भी हॉट भी है और ये इसमें सिनेमन और स्वीट लगा हुआ। और हमने जो ऑर्डर किया वो मिक्स है। सही है, आप चाहो तो वनीला ले सकते हो आप। यहाँ हम लोग बैठ के आइसक्रीम को फोड़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। पूरी स्ट्रीट ही स्ट्रीट बनी हुई है और हमें जाना है उन आंटी के पास, वो जो आंटी वहाँ यहाँ ये रही है जो बनी हुई है, तो यहाँ जाके फिर बताते हैं। तो स्टे ट्यून भाई, आप लोग जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जल्दी जोर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आसानी से देखने के लिए मिल जाए। भाई हर जगह यहाँ पे स्टॉल्स ही स्टॉल लगे हुए हैं। हमने यहाँ बैठ के आइसक्रीम खा ली थी और ये था हमारा व्यू। और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। पूरी स्ट्रीट ही स्ट्रीट ऐसी है पूरी सेम टू सेम। ये रहे जी वही वाले ग्लास वापस पलट पलट के ना बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ पे तो बॉटल भी डिफरेंट स्टाइल की है भाई साहब। भाई छोटी मोटी डेकोरेशन का तो ऐसा कोई जबरदस्त सामान है ना कि वाह। नबील तो भाई अपने हिसाब से चीजें खोल खोल के Да, слушай. Из них бокали по 25. Yeah? How do you like here? An airport. An airport you was? Just touch it. Just touch it. Don't 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 touch it. फाइनली भाई साहब वी आर एट आंटी। लेकिन आंटी की अजीब सी बात ये है कि आंटी का बैक साइड हमें नजर आ रहा है और फ्रंट साइड हमें नीचे से नजर आता है, ये थोड़ा सा अजीब है। सभी अच्छा आराम से बैठे हुए जम के। भाई हम इन आंटी को लेके कंफ्यूज थे कि विच आंटी इज दिस, तो मैं बताती हूँ कौन सी आंटी है, मदर ऑफ जॉर्जिया है। मैंने फाइनली डिसीजन लिया है ऊपर चढ़ने का, डर तो मुझे बहुत लग रहा है। और ये रही आंटी, सॉरी मदर ऑफ जॉर्जिया।
भैया व्यू है भाई, यहाँ से व्यू है, बिग बिग व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। नबील इस पॉइंट पर आके मुझसे पूछना और क्या है इधर, तो मैंने बस ये आंटी थी मदर ऑफ जॉर्जिया। अब हमने ये देख ली, मतलब एक नजर फिर से भर के देख ले इनको और फिर हम लोग नीचे उतरेंगे यहाँ से। ये बेचारी आंटिया मीटअप से ऐसे खेल रही है जैसे कोई बिल्ली का बच्चा मेरे लिया हो, कभी उसके बाल नोच रही है, कभी उसकी गाल नोच रही है। अच्छा हम जरा स्टॉप लिए थे, सही है। अब स्टॉप लेने के बाद ये मदर ऑफ पीस और ये जो आइसक्रीम थी हम लोगों ने खा पी लिए। अब लिहाजा ये है कि हमने लोकेशन लगाई तो यहीं पर ही एक है फोर्ट्रेस ना, यहाँ पे जगह जगह के ऊपर बहुत पुराने ज़माने के ये चर्च किले वगैरह बने हुए, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये पहले हमारा प्लान था कि नीचे उतर जाएं, लेकिन वो अब नहीं है। बोटैनिकल गार्डन का रास्ता है जो कि नीचे की तरफ उतर रहा है और हम यहाँ से आए तो हमें यहाँ जाना नहीं है क्योंकि हम यहाँ जा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस। लो लो कहाँ खड़े होके पिक्चर्स ले रहे हैं, लो ज़्यादा ऊपर वगैरह मत जाइएगा। हम ये जा तो रहे हैं, इसके अंदर स्टेयर्स बहुत हैं और ये सामने आपको व्यू भी साथ साथ दिख रहा होगा, ये चिल्ड्रंस भी जा रही हैं और ये काफ़ी सीढ़ियाँ के अंदर ये पत्थर लगे हुए ना, ये भी कुछ वो नहीं होते कदीम जमाने वाले वैसे हैं, इसके पीछे भी हो सकता है कोई हिस्ट्री डाली हुई उन्होंने। बहुत डेंजर रास्ता है नहीं? बहुत, और लेकिन बहुत जंगलात भरा है, ठंड सी है यहाँ पे एक अलग सी। लेकिन हमें यहाँ पे ना नेचुरल फ्रूट नहीं मिला एक भी खाने के लिए, सभी मैं देखते हुए जा रही हूँ कुछ मिल जाए। अच्छा कुछ जगहों पे है लेकिन इस वाली जगह पहाड़ी पे नहीं है। अच्छा मेरे पीछे देख सकते हैं ये नारीकाला फोर्ट है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है ये, और काफ़ी क्या कहते हैं स्लोपी इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। तो अब हम ये अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी स्लोपी स्लोपी है। ये दोनों बड़ी मेहनत मशक्क़त करके चल रहे हैं, डायनासोर भी काफ़ी स्लोपी है, मेहनत वाला कश कश किया हमने कश। ऊपर आ तो गए हैं, तो ये यहाँ पर भी एक सीन है, ये देखें यहाँ पोमीग्रेनेट के वो लगे हुए हैं, थोड़ी सांस फूल गई हमारी, फूल फूल लगे हुए फ्रेश। अच्छा ये हो सकता है जो ये फोर्ट है यहाँ का जो किंग होगा उसने अपने सेफ्टी के लिए ये दो पिलर्स वगैरह बनाए होंगे, यहाँ पे लोग तैनात होंगे। ये नीचे आबशार भी बहता है, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ज़रा ऊपर की तरफ आऊँ, थोड़ा सा रिस्की प्लेस है, यहाँ पे ट्रैक लगी हुई, थोड़ा सा डेंजरस ट्रैक है यहाँ पे, और
ये अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा और टॉप पे आते जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये पट्टे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं मेरे एक मीनार खड़ा हुआ है, ये यहाँ की ना मस्जिद है। और नीचे सारे सल्फर बाग नज़र आ रहे होंगे आपको, ये ब्रिक्स के अंदर ना, ठीक है। और ये पूरा बैक साइड पे इसके जो है बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये लोग काफ़ी नेचर को लेके बड़े सीरियस है। यहाँ से आप फोर्ट का और अच्छा व्यू देख सकते हो, ठीक है। और एक अच्छी खास बात है, अपने रिलीजन को ये लोग काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। लोग वहाँ पे टॉप पे भी जा जाके जो है अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं। तो चर्च इनके जो हैं हर जगह होते हैं, एक आपको जैसे ये नज़र आ रहा होगा, फिर एक वहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ मस्जिद भी है, चर्च भी हैं। अच्छा, सामने ये आपको कैनाल भी दिख रही होगी, तो ये काफ़ी अच्छा वंडरफुल व्यू है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करता चलूँ यहाँ पे। अब मैं टॉप पे खड़ा हूँ फोर्ट्रेस के, और ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये एंट्रेंस है, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन की, जिसका टिकट मेरे ख्याल से 4 लारी है। अब इधर से 2 रास्ते जाते हैं, एक राइट पे है, एक लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जाएंगे आप तो उसके अंदर आपको काफ़ी डिटेल में पूरा घूमते फिरते, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। अगर आप राइट से जाएंगे तो आपको जल्दी से फाउंटेन भी मिल जाएगा इजीली। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से देखा जाए इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, ये एक जगह हम जो चर्च है, यहीं पर इनके रहने की ये कुछ जगह शगह भी बनी हुई है। पूरा के देखा जाए तो उसके ऊपर जो है ना फोर्ट के ऊपर ही, या माउंटेन के ऊपर ही, पूरा फोर्ट के ऊपर ये सब बना हुआ है। ये आप जगह देख सकते हैं, वही पुराने ब्रिक्स वगैरह ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे। जैसे अपना बनी है शाही किला ताजमहल, 200 साल 400-500 साल पुराना, ये भी उसी तरह की जगह बनी हुई है। वेलकम वेलकम। लिहाजा ये जो हमारा चेयर लिफ्ट, उसके बाद वो मदर ऑफ जॉर्जिया, फिर वो जो आइसक्रीम थी, फिर ये फोर्ट्रेस था, तो ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट्स एक ही तरफ थी। तो आज ये हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर दिए हैं। अब जो है भूख लग रही है। सही है। तो अच्छा, उसके हिसाब से बताता चलूँ कि 3 रेस्टोरेंट हैं जो कि अभी तक हैं, इसमें से एक बॉलीवुड में ट्राई कर चुका हूँ, दूसरा ताजमहल, आज है महाराज, ठीक है। ये तीनों इंडियन पाकिस्तानी लोगों ने मिल, चलो बहरहाल चल के फिर बताते हैं भाई। यहाँ इस तरीके से फ्रूट्स नीचे ही लगे हुए हैं कि मतलब हमारा अपना हाथ जा रहा है। देखो ये, और यहाँ पे ना पोमेग्रेंट भी लगा हुआ है, ये रहा। अब इनसे पूछा है मैंने कि ये लोग देंगे, तो उन्होंने बोला यस, अगर आप खुद से ले सकते हैं तो ले लें। यहाँ नबील को मैंने चढ़ा दिया है अनार तोड़ने के लिए। नबील, ग्रिप बनानी पड़ेगी इसके पहले, पूरी ग्रिप बना के मोड़ दीजिएगा। हाँ, मुड़े मुड़े, ये बात, वन मोर टाइम, फाइनली। अच्छा, अब ये देखें, ये बहुत मशहूर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये है बॉलीवुड मसाला, इसी के सामने आपको शायद नज़र आएगा ताजमहल, यहाँ पे है दूसरा, ये महाराजा, इसकी यहाँ से एंट्रेंस है, ये आपको शायद नाम नज़र आएगा इसका। तो आज हम फिर यहाँ जा रहे हैं। तो ये तीनों रेस्टोरेंट हैं अपने देसी, ये तीनों रेस्टोरेंट पे जो है ना हमने एक एक दिन ट्राई किया। पहले यहाँ गए थे तो ये भी अच्छे थे, कल उनका ट्राई किया वो भी अच्छे थे, अब आज इनका ट्राई करेंगे तो इनका भी बोलेंगे। तो आपका क्या इरादे हैं? चलो लेट्स गो। इसकी एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस आ गई, दरवाज़ा काफ़ी छोटा था। इसका एम्बियंस अच्छा है, अंदर से स्पेशियस है, ये विंडो स्पेशियस है। और ताजमहल भाई भी यहाँ पर है, लग रहा बुफे सिस्टम भी है इनके पास, काफ़ी अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। रेस्टोरेंट के अंदर अगर गाने लगे हुए ना तो एक माहौल सा लगा रहता है, शुगल शुगल लगा रहता है।
पानी है। आज हम महाराजा आए हैं और ये चिकन टिक्का मसाला हमने ऑर्डर किया है और मीरप के वही जीरा राइस आएंगे। सो खा के देखते फिर। गरम गरम है। खवातीन हजरात अब आती है उस तोड़े हुए अनार की बारी, तो मस्ट लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। भाई अनार थोड़ा तो दिया है लेकिन ये थोड़ा सा ख़राब है, क्या करें हम? बीच का खाएंगे। मीना 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 चेयर पीछे हो जाएगी। वाकई में बड़ा रेड अनार है। लेकिन अनार के बीज और जो यहाँ का कलर है ना, कलर ये बहुत क्लासी है, बहुत डार्क है, जेम्स लग रहे हैं, जेम्स। पापा गिव मी जेम्स। इनका भाई ये हर वक्त चलता रहता है डांस वांस गाना शाना, जब तक ये हो नहीं इनका खाना नहीं हजम होता हजरात। लेकिन अच्छा शुगर है, अपनी मौज मस्ती में आंटी ने दबा के डांस किया है। तो इसका जो है रिव्यू हम लोग देंगे, लेकिन हम एंड ऑफ द पूरा ट्रिप देंगे आराम से सुकून से, क्या नहीं है इनके बिल्स शेयर करेंगे, इनकी सारी चीजें कैसे कब क्या बुकिंग करनी है कैसे करना है सब बताएंगे। लेकिन अभी हम व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको बहुत ज्यादा याद रखिएगा, इनसे माशाल्लाह एज वेल एज। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट भी लगाओ, ये भी क्वेश्चन है, सब कर दो। बाय बाय।